आईसीसी ने टीम ऑफ द टूर्नामेंट अनाउंस कर दिया, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इसमें ना ऋषभ पंत का नाम है और ना ही विराट कोहली का, जिनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी थी थ्रू आउट द टूर्नामेंट, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। उससे पहले टीम इंडिया से क्या कुछ अपडेट्स आ रही है उस पर नजर डालें। वर्ल्ड चैंपियंस की अगर बात करी जाए तो कल यानी कि 3 जुलाई को 7:45 इवनिंग तक वो वापस अपने देश आ सकते हैं। बिल्कुल, और अगली अपडेट पे नजर डालें तो हार्दिक पांड्या को लेके फैंस के रिएक्शन, इन जो लेजेंड्स हैं उनके रिएक्शन है कि अब कोई उनको बू करके दिखाए। इसके बाद विराट कोहली की अगर बात करी जाए, उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था और वो सबसे ज्यादा लाइक किए जाने वाला पोस्ट बन चुका है। 19 मिलियन से ज्यादा लाइक्स आ चले हैं और अभी काउंट हो रहे हैं लगातार। उससे हम आगे बढ़े तो रोहित शर्मा की जो मदर है, उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट करी है फोटो। विराट कोहली, रोहित शर्मा और रोहित शर्मा की बेटी नजर आ रही है इस फोटो में, जिसका कैप्शन उन्होंने लिखा है, Daughter on his shoulders, nation on his back, brother on his side. और जिम्बाब्वे जाने वाली टीम जो है वो रवाना हो चली है, लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिसमें यशस्वी जायसवाल और बाकी रिंकू सिंह हैं, तो वो फ्लाइट जब इंडिया आएगी उसके बाद वो जिम्बाब्वे दौरे पर जाते हुए नजर आएंगे। अब हम आते हैं मुद्दे की बात पे। आईसीसी की जो टीम ऑफ द टूर्नामेंट है, जिसमें ओपनर्स में नाम रखे गए हैं रोहित शर्मा के, रहमान अनुल्ला गुरबाज के, टॉप ऑर्डर की अगर हम बात करें तो निकोलस पूरस और सूर्य कुमार यादव इसमें शामिल। और ऑलराउंडर्स की अगर बात करी जाए, मार्कस स्टोइनिस हैं, हार्दिक पांड्या है और अक्षर पटेल भी हैं। और अगर हम आगे बढ़े विकेट कीपिंग की बात करें तो निकोलस पूरन को जो है इस लिस्ट में शामिल किया गया है। हालांकि ऋषभ पंत ने भी अच्छे प्रदर्शन दिए थे, विकेट के पीछे भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन उनका नाम यहाँ पे शामिल नहीं है और ना ही विराट कोहली का। बिल्कुल, आगे बढ़ने से पहले ये भी मैं आपको बता देता हूँ, बॉलर्स की अगर बात करी जाए तो इसमें राशिद खान जो है नजर आ रहे हैं, जसप्रीत बुमराह हैं, अर्शदीप सिंह हैं और फजलत फारूकी हैं। तो एक काम करते हैं, पंत वर्सेस पूरन का कंपैरिजन कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि किसके आंकड़े जो है वो बेहतर है। अगर हम रन की बात करें तो ऋषभ पंत, मैं आपको पूरा टॉप ऑर्डर से लेकर लास्ट टाइम बता देती हूँ कि उनके रन कैसे रहे थे। 32 रन, उसके अगले मैच में 42, फिर 18, उसके बाद बैटिंग करने का मौका नहीं मिला, उसके बाद 20 रन, उसके बाद 36 और उसके बाद 15। वही अगर हम पूरन की बात करें तो 17, 22, 17, उसके बाद 98 रन, जहां पे मैन ऑफ द मैच का खिताब भी उन्हें मिला, उसके बाद 36, उसके बाद 27 और आखिरी गेम में उन्होंने 1 रन बनाया। ये जो आंकड़े हैं ना, ये आपको सिर्फ सुपर 8 तक के आंकड़े जो है वो हम दिखा रहे हैं, क्योंकि सुपर 8 के बाद या फिर कहीं सुपर 8 में वेस्ट इंडीज जो है वो बाहर चली गई थी और टीम इंडिया ने फिर एक्स्ट्रा 3 मैच खेले थे। वहां पर परफॉर्मेंस पंत की विकेट के आगे उतनी अच्छी नहीं रही थी, लेकिन की विकेट के पीछे काफी अच्छी रही थी। और स्टैट्स बता देते हैं कि किस तरीके से दोनों के नाम कुछ रिकॉर्ड बने हैं। एज अ विकेट कीपर अगर हम ऋषभ पंत की बात करें तो 14 डिसमिसल्स उन्होंने जो है अपने नाम किए हैं, यहाँ पे 13 कैच भी उन्होंने लिए। और जहां तक निकोलस पूरन की बात है तो इस टूर्नामेंट में उन्होंने 17 छक्के लगाए, इससे पहले क्रिस गेल ने 16 छक्के लगाए थे, तो उन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम कराए। और जहां तक ऋषभ पंत की बात है तो डेलिबरेटली ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने पट्टी बांधने का जो ड्रामा किया था, जिसकी वजह से हेनरी क्लासन की रिदम बिगड़ी थी और टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, तो टैक्टिक्स तो ऋषभ पंत ने लगाए हैं। देखिए, टैक्टिक्स लगाए हैं और माइंड गेम कितना स्ट्रांग हो सकता है किसी भी प्लेयर का, ये आप इस पूरी चीज से या इस पूरे वाक्य से समझ सकते हैं। लेकिन ऋषभ पंत जो है दिल के बुरे नहीं है, उन्होंने पूरे मैच के बाद जो है क्विंटन डिकॉक जब अपनी बेटी के साथ बैठे थे क्राउड में, बहुत उदास नजर आ रहे थे, वहां पे जाके उन्हें कंसोल करने की कोशिश करें। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी को कहा जाता था कि वो गेम के स्पिरिट को हाई रखते हैं, ऐसा ही ऋषभ पंत रखते हैं। तो मुझे तो पर्सनली यही लगता है कि निकोलस पूरन ने कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया हो, हालांकि आंकड़े उनके भी इतने अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन ऋषभ पंत को इस टीम में बतौर विकेट कीपर होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए था, क्योंकि देखिए सबसे पहली बात यह है कि वो एक विनिंग टीम का हिस्सा है, तो जाहिर सी बात है कि टीम इंडिया के प्लेयर्स इस पूरी प्लेइंग 11 में ज्यादा होने चाहिए थे। रोहित शर्मा को लेकर एक और बड़ी अपडेट आ रही है कि उनकी उम्र है 37 ईयर 60 डेज, जिसकी वजह से वो बन रहे हैं ओल्डेस्ट मैन टू कैप्टन अ साइड टू T20 वर्ल्ड कप ग्लोरी। बिल्कुल, और आपको अपडेट्स दे देते हैं कि किस तरीके से इस वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड बने हैं। अगर जसप्रीत बुमराह की बात करी जाए तो उन्होंने जो है वो 8.3 की एवरेज के संग जो है वो वर्ल्ड कप खत्म किया है। इससे पहले अगर हम ऑनरिक नोकिया की बात करी जाए तो उनका जो एवरेज था साल 2022 में वो 8.5 का था। आगे अगर हम बढ़ते हैं और जसप्रीत बुमराह की बात करते हैं तो उनकी इकोनॉमी रही 4.17, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है और जिसकी की वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी मिला। बिल्कुल, पिछले वर्ल्ड कप में जो है वो सैम करन मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड लेते हुए नजर आए थे, वो भी गेंदबाज थे और बैटिंग भी कर पा रहे थे। अगर इस वर्ल्ड कप की बात करें तो ये जो कहानी है जो आपको नजर आई कि कैसे टीम इंडिया ने 2007 के बाद जो सूखा था T20 वर्ल्ड कप का वो खत्म कराया। वीवीएस लक्ष्मण की हम बात करें तो इस दौरे में बतौर कोच नजर आएंगे,
तो क्या गौतम गंभीर श्रीलंका दौरे के दौरान कोचिंग संभालते हुए नजर आएंगे, ये बड़ा सवाल है। और ये जो नई टीम है उर्विका, ये कैसा जो है वो परफॉर्म करेगी जिम्बाब्वे दौरे पर, एक छोटी सी आपकी रिएक्शन और उसके बाद वीडियो खत्म करेंगे। सबसे पहले मैं एक बार जसप्रीत बुमराह के लिए कुछ कहना चाहूंगी। मैंने एक वीडियो उनका देखा था जिसमें वो कह रहे थे कि बॉलर्स को अवार्ड्स क्यों नहीं मिलते हैं, और अब आगे जाके आप देखें कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जो है ले गए हैं जसप्रीत बुमराह। क्या आपको लगता है, क्या आप जसप्रीत बुमराह के फैन हैं? आप कमेंट करके बता सकते हैं। बतौर बॉलर वो कैसा खेलते हैं और कैसा नहीं खेलते, आप ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। और ऋषभ पंत के साथ जो चीज़ हुई है या विराट कोहली के साथ जो ये चीज़ हुई है, क्या ये नाइंसाफी है या ये जायज़ है, आप ये कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं।